brought to you by Khata Book. इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। टीम को जैसे रन रेट रिक्वायर्ड है उसके आसपास गेम चलता रहे, बस स्टार्टिंग में नहीं लगे थे हिट मेरे, तो बस मुझे कॉन्फिडेंस था कि जब जब अगर एक बार मेरे हिट लगने स्टार्ट हुए तो उसके बाद वो ओवर दो तीन ओवर जितने लंबे जाएंगे हमारी टीम के लिए उतना अच्छा है कि हम गेम जीतने के उतने क्लोज आते रहेंगे। तो वो उस ओवर में हुआ, वो गेम चेंजिंग ओवर निकला कि एक हिट लगे और उसके बाद फिर लगते ही गए। तो यही था, यही प्लान था कि ठीक है इनिशियली 15-20 बॉल पे हिट नहीं लगे हैं, तो उसके बाद मेरे दिमाग में यही चल रहा था बाकी जो 3-4 ओवर में अगर मेरे 6-7 यहाँ पे हिट लग गए तो हम गेम के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। बिल्कुल ये रिकॉर्ड था कि आईपीएल में इससे पहले कभी इतना लंबा स्कोर चेज नहीं हुआ और हमारी टीम ने वो किया। तो यहीं पे हर प्लेयर का कॉन्फिडेंस दिखता है, सेल्फ बिलीफ दिखता है कि सबने हमने डेथ ओवर्स में बॉलिंग इतनी अच्छी करी, कमबैक इतना अच्छा करा, तो उसके बाद आके बैटिंग में जैसे हमें स्टार्ट मिला तो कहीं ना कहीं सब में कॉन्फिडेंस था कि हम ये मैच जीत सकते हैं, सेल्फ बिलीफ था सबके अंदर और सेम वही हुआ। और ऑब्वियसली अगर आप इतने हाई स्कोरिंग गेम में विनिंग साइड पे होते तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। अगर मैनेजमेंट और कोच और कैप्टन के हाथ में है वो तो कि उस सिचुएशन में कौन बैटिंग करके आया है वो तो गेम पे डिपेंड करता है कि गेम में किसके हिट्स लगे हैं, किसने रन बनाए हैं या फिर कैसे। कोच और कैप्टन के हाथ में है वो, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं हमेशा तैयार हूँ अपनी टीम को किसी भी सिचुएशन में और जैसे भी हेल्प कर सकूँ अपनी टीम को, मैं हमेशा उस चीज के लिए रेडी हूँ। सो द ओनली प्लान वॉज जस्ट गो एंड टेक ऑन द बॉलर्स। तो वही प्लान था कि जो मेरा रोल मुझे पता था बहुत क्लियर, क्योंकि कुछ मैच से पहले कुछ रोल मुझे क्लियर नहीं किया क्योंकि एक महीने से जब से हम यहाँ पे कैंप में तब से मुझे वो रोल पता है मेरा, तो उन्हें ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुझे पता था कि अगर वो मुझे ऊपर भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और मेरे लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उन्होंने मुझे इतना ऊपर भेजा है, तो कहीं ना कहीं प्रूव करने का भी एक मौका था। तो वही रोल बहुत क्लियर था मेरा, एक महीने से जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से मेरा रोल बहुत क्लियर है। बस यही बोलूंगा कि आगे भी अगर अगर मौका मिला तो मैं अच्छा ही करने की कोशिश करूंगा। मैं हरियाणा के लिए खेलता हूं और मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हो गया था 2013-14 में, तो उसके बाद हम काफी गेम्स हमारे लाली स्टेडियम में खेलते हैं हरियाणा में, होम ग्राउंड है हमारा, तो वहां पे मीडियम पेसर्स का ज्यादा यूज होता है तो रणजी ट्रॉफी गेम्स कम खेला हूं। बाकी हमारे लिस्ट है और शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हमारे 3 इंटरनेशनल स्पिनर्स खेलते हैं, चहल मिश्रा भैया और जयंत यादव, तो उनके बीच में मैं प्लेइंग 11 में रहता हूं। तो आई थिंक हरियाणा का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए कि 3 इंटरनेशनल स्पिनर्स के साथ मैं खेल रहा हूं। तो वही है, जर्नी ऐसे ही रहती है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिच देख के वहां पे टीम बनती है और लकीली मैं टीम में खेलता हूं वहां पे, तो मुझे वहां पे भी सेम रोल दिया जाता है, ऑलराउंडर का रोल है कि बॉलिंग में जितने ओवर डालने को मिले उसमें अच्छा करना है, और फिर वही है सेम कि बैटिंग में जितना जो मेरा प्लस पॉइंट है तो टीम को बैटिंग से जिता सकूं, मैच जीतने जा सकूं। बॉलिंग का स्पेशली हर चीज में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हमारी फिटनेस हर चीज में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना ही होता है, कहीं पे ऐसा नहीं होता कि तुम आके एक जगह पे स्टे हो जाओ। तो वही है, जब भी प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, वही रहता है कि उस ट्रेनिंग सेशन से कुछ ना कुछ लेके आए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके आए, क्योंकि वही होता है कि क्रिकेटर अगर इम्प्रूव ना करे, ट्रेनिंग सेशन में जाए और वहाँ इम्प्रूव करने की ना सोचे तो वैसे ही हो जाता है कि जाओ और प्रैक्टिस करके आ जाओ। तो जब भी जिस भी ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं तो वहाँ यही हमारा मोटिव रहता है कि आज उस सेशन से कुछ ना कुछ लेके आए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके आए उस सेशन से। तो यही है कि बैटिंग में भी अभी काफ़ी चीज़ें जिन पर मैं वर्क कर रहा हूँ और करता रहूँगा, सेम ऐसे ही बॉलिंग पे है। तो अकॉर्डिंग टू टीम्स प्लान होता है सब कुछ, तो जो प्लानिंग चल रही है अभी हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है और उसके साथ जो हम वर्क कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशन में जाके, तो वही है कि वर्क कभी रुकता नहीं है और इम्प्रूवमेंट का डेली स्कोप होता है, हर दिन नया होता है, तो वही ट्राई करते हैं कि डेली सेशन से कुछ ना कुछ गेन करके आए। स्पिनर्स को अगर जब हमें रन लगे तो हमारे मीडियम पेसर्स ने कमबैक किया डेथ ओवर्स में, उनकी वजह से ही हमें कहीं ना कहीं टारगेट हमें लग रहा था कि 240-245 के आसपास जाएगा, बट जैसे हमारे मीडियम पेसर्स ने हमें मैच में कमबैक किया, तो सबका रोल है, मीडियम पेसर्स का अपना रोल है, स्पिनर्स का अपना रोल है। हाँ, लगता है कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट पे थोड़ा स्पिनर्स को हेल्प मिलने लगेगी लेटर ऑन, कि थोड़े विकेट स्लो होंगे क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है यहाँ पे, बट
मेरा मानना यही है कि सबका उतना ही रोल होता है गेम में, मीडियम पेसर्स का भी उतना ही रोल है और स्पिनर्स का भी उतना ही रोल है, तो सबको अपने रोल पूरे करने हैं, तभी तभी टीम जीतती है, किसी एक पे या किसी दो पे टीम डिपेंड नहीं रहती, तो सबको अपने रोल पूरे करेंगे, सब अपने रोल पूरे करने की कोशिश करेंगे तो टीम अच्छा करती रहेगी। जो अभी एक महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे मेरा रोल पता था कहीं ना कहीं, मुझे लॉकडाउन में भी मुझे ये जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो वो मुझे रोल पहले बहुत बहुत क्लियर था मैं इस रोल के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चल रहा था कि ये रोल जब भी मिलेगा और अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी तो उसको ग्रैब करूंगा। और यही है, ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं हम, वही प्रैक्टिस उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं, स्पेसिफिक प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो रोल दिया गया है तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तो बस मेरा यही है कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस रखने की कोशिश करूँगा।